गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस लेक्चर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ ग्राफ सो बेसिकली ग्राफ होता क्या है ग्राफ में हमारे पास जैसे कि हम कह दें कि एक नेटवर्क मॉडल है और अगर रोड नेटवर्क की बात करें किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें कि वहाँ पर जो है कि दो या दो से ज़्यादा पीसेस जो हैं या टनल जो है वो कनेक्टेड होते हैं तो अगर हम देखा जाए कि हमारे पास ग्राफ जो है वो पेयर होता है दो चीज़ों का वर्टिसेस एंड द एजस वर्टिसेस एंड द एजस तो वर्टिसेस क्या है और एजस क्या है वर्टिसेस क्या है कि एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है तो दोनों पॉइंट जो है वो क्या है वर्टिसेस हमारी बी वन एंड बी टू दोनों को कनेक्ट किया जिस लाइन से कनेक्ट किया वो हमारी क्या है यहाँ पर एज क्लियर अगर हम एक ग्राफ की एग्जांपल लें तो हमारे पास अगर एक ग्राफ है फॉर एग्जांपल दिस वन दिस वन इज ग्राफ सो यहाँ पर v1 v2 वी टू एंड वी तीन वर्टसेस हैं और तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो हमारे पास ये क्या हो गया एच वन ई वन ई टू एंड ई थ्री तीन वर्टसेस हैं तो सेम अगर हम एग्जांपल लें यहाँ की ये किसके एग्जाम्पल है एक रोड नेटवर्क के एग्जाम्पल है जो कि एक, एक ग्राफ के फॉर्म में है यहाँ पर एक पॉइंट है कीर्तिपुर क्लियर लोकेशंस गिवन है और उसका रूट गिवन है तो नेक्स्ट लोकेशन क्या है टी यू गेट तो यहाँ पर ये क्या हो गया वी वन वी वन वर्ट इज़ क्या है कीर्तिपुर वी टू इज़ टी यू गेट वी थ्री इज वालखू वी फोर is Kalyan and V5 is Kalimati and these are connected with this this road so these are connected by uh, directed or indirectly so this is the example of a graph so we can say that a graph is a pair of G is equal to V comma E vertices and the edges where V denotes a set of vertices and E denotes the set of edges कनेक्टिंग द टू वर्टसिज सो यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं ग्राफ की जैसे रोड नेटवर्क की ये एग्जाम्पल दी है इलेक्ट्रॉनिक सर्कट्स की हो सकती है सो so, नेक्स्ट क्या है कि हम हमारे पास ये भी एक अदर एग्जाम्पल है ग्राफ की यहाँ पर हमें क्या आगे बन है एक वी वन वर्टसेज है वी टू वी थ्री वी फोर एंड वी फाइव ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन सम वे सो वर्टसेस क्या है वी वन से ले कर वी फाइव तक और एडजस्ट क्या है एजेस हम कैसे डिनोट करेंगे v1 वन से लेके v2 टू है वी टू टू वी थ्री वी वन से लेके v3 थ्री भी है v3 थ्री टू वी फोर एंड वी फोर टू वी फाइव दीज आर द एजेस हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे अगर हमारे पास ग्राफ होता फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस तो ये हमारे पास एक ग्राफ होता ऐसा तो ये क्या है वी वन वी टू वी थ्री एंड वी फोर तो यहां पर हमारे पास वर्टसेस क्या आ जाती है वी वन वी टू वी थ्री एंड वी फोर तो एडज क्या आती वी वन टू वी टू वी वन टू वी टू नेक्स्ट वी वन टू वी थ्री वो भी है क्लियर वी वन टू वी टू हो गया वी वन टू वी थ्री हो गया वी टू टू वी थ्री एंड वी थ्री टू वी फोर ऐसी आ जाती नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ क्राफ सो टाइप्स ऑफ ग्राफ में क्या है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंपल ग्राफ सिंपल ग्राफ क्या होता है यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस है नंबर ऑफ एजेस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विदाउट एनी लूप उसमें कोई भी लूप नहीं होगी क्लियर दिस काइंड ऑफ ग्राफ हैज़ नो लूप एंड कैन बी यूज फॉर मॉडलिंग द नेटवर्क डैट डू नॉट हैव कनेक्शन टू दैम सेल्फ बट हैव बोथ वेज कनेक्शन वेन टू वर्ड आर कनेक्टेड बट टू नो टू वर्डसेज है मोर देन वन कनेक्शन इसका क्या मतलब है कि किसी यहाँ पर जो ग्राफ होगा उसमें कोई लूप नहीं होगी लूप का मतलब क्या है कि वो रिपीट रेपिडेटली दो डायरेक्शंस में नहीं होगा जो रेपिडेटली वहाँ से कोई और एक वर्ड से कोई और डायरेक्शन रूट नहीं जाएगा जो सेल्फ नहीं आएगा do नॉट हैव कनेक्शन टू देम सेल्फ सेल्फ मतलब अपने आप से यहाँ पर जैसे ऐसी लूप नहीं होगी जैसे आप मैथमेटिक्स में भी करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द ग्राफ और यहाँ पर लूप हो तो ये लूप ये यह पॉइंट यहाँ से ही मुड़ के यहाँ तक आ रहा है तो ऐसा केस सिंपल ग्राफ में नहीं होगा दिस ग्राफ हैज़ नो लूप्स एंड कैन बी यूज फॉर मॉडलिंग द नेटवर्क दैट डू नॉट हैव कनेक्शन टू दैम बट हैव बोथ वेज कनेक्शन वेन टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड बट नो टू वर्टिसेस हैव मोर देन वन कनेक्शन कि यहाँ पर हर वर्ड्स जो है आगे से आगे किसी और वर्ड्स के साथ कनेक्टेड होगी बट अपने आप से नहीं होगी नेक्स्ट वन इज द मल्टीग्राफ मल्टीग्राफ में क्या है कि हमारे पास लूप एग्जिस्ट होगी इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ आल्सो लूप्स आर नॉट अलाउड बट इसमें क्या है कि एडजस्ट ई वन एंड ई टू कॉल्ड मल्टीपल और द दैलर एडज इफ फंक्शन एफ ई वन इज इक्वल टू एफ ई टू सो द सिंपल ग्राफ हैज़ सिंगल एजेस एवरी सिंगल ग्राफ इज़ अ मल्टी ग्राफ तो यहाँ पर क्या है डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर भी सेल्फ लूप नहीं होगी बट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो दोबारा उस पॉइंट पे आ सकते हैं क्लियर जैसे फॉर एग्जांपल कि डायरेक्शन अगर गिवन है कि इस पॉइंट से हम पहले यहाँ पर आ रहे हैं फिर यहाँ पर आ रहे हैं क्लियर तो ये इज पॉसिबल है इन केस ऑफ मल्टीग्राफ सेम यहाँ पर है डबल डायरेक्शन सेम यहाँ पर है क्लियर तो ये किसके एग्जाम्पल है मल्टीग्राफ की तो मल्टीग्राफ इज अ ग्राफ इन विच जी इज इक्वल टू बी कॉम आई कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्ड बी एंड सेट ऑफ एजेस ई वे आर द फंक्शन एफ फ्रॉम ई टू यू कॉमा बी यू कॉमा बी क्या है एक वर्टेक्स से लेके दूसरे वर्टेक्स तक जो मिल रहा है सो द एजस ई वन एंड ई टू आर कॉल्ड मल्टीपल और दैलड एजज इफ एफ ई वन इज इक्वल टू एफ ई टू दोनों इक्वल है सो नेक्स्ट इज द सीडोग्राफ सीडोग्राफ इज अ ग्राफ विच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्डसेज एंड एज वर्ड्स भी होंगे और एजस भी होंगे और a फंक्शन एफ from ई टू यू कॉमा बी यू कॉमा v belongs to वी एवरी वर्टेक्स belongs to इट्स सेल्फ यहाँ पर हमारे पास लूप एग्जिस्ट होगी क्लियर पहले दोनों में लूप नहीं थी यहाँ पर क्या है कि डबल पाथ भी होगा और सेल्फ लूप्स भी होंगी यह yeah? सेल्फ लूप का मतलब है कि एक वर्टिक्स अपने आप पर ही आ रही है दोबारा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सीडोग्राफ नेक्स्ट इज द डायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है डायरेक्शन गिवन होती है डायरेक्शन जहाँ पर एरो गिवन है ना पहले वाले में एरोस वगैरह गिवन नहीं थे उसमें पता नहीं था पॉइंट डायरेक्शन किस साइड पे आ रही है बट डायरेक्टेड में क्या होता है कि समझ में आता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ जा रहा है और डायरेक्टेड ग्राफ वी कॉम आई कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्डसेज वी अ सेट ऑफ एजस ई डेट आर ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी सो so, यहाँ पर क्या है कि ग्राफ लूप इज़ अलाउड लूप भी अलाउड होती हैं बट नो टू वर्डस कैन हैव मल्टीपल एजेस इन सेम डायरेक्शन तो यहाँ पर क्या है कि ये एक वी वन पॉइंट है डायरेक्शन क्या यहाँ जा रही है नेक्स्ट वी टू यहाँ पर वी थ्री है ये वी फोर है तो यहाँ पर एरो गिवन है ये डायरेक्शन यहाँ पर आ रही है यहाँ आ रही है यहाँ है ये यह द्वारा यहाँ आ रहा है यह क्लियर तो हर रूट की क्या है डायरेक्शन की महन है दिस इज़ द डायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड मल्टी में क्या होगा कि हमारे पास सेट ऑफ एजेस ई भी हैं वी वी है और यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल एजेस होंगी ई वन एंड ई टू और कॉल्ड द मल्टीपल एजेस यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल एजेस की डायरेक्शंस भी गिवन होगी यहाँ पर हमारे पास सेल्फ लूप नहीं थी यहाँ पर हमारे पास सेल्फ लूप की उसकी भी डायरेक्शन गिवन है उसकी भी डायरेक्शन गिवन है और साथ में बाकी एजेस की भी डायरेक्शंस गिवन है यहाँ पर हमारे पास दो से ज़्यादा एजेस की डायरेक्शंस हो सकती है क्लियर नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज टर्मिनोलॉजीज क्या है कि फॉर एग्जांपल कि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी एक तो डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिग्री का मतलब समझ लें कि हमारे पास अगर कोई ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ में से uh, कोई भी वर्टेक्स है तो वर्टेक्स में फॉर एग्ज़ाम्पल ए वर्टिक्स है तो उसमें जो एजेस है कितनी एजेस है साथ में कनेक्टेड क्लियर तो वो क्या हो गया उसकी डिग्री होगी जैसे कि ए के साथ दो एजेस कनेक्टेड है तो डिग्री क्या होगी टू बी के साथ कितनी कनेक्टेड है वन टू थ्री तो डिग्री क्या है थ्री ऐसे ही एफ के साथ कितने कनेक्टेड है वन एंड टू डिग्री इज टू सी के साथ वन टू एंड थ्री सी की डिग्री क्या है थ्री ई e की डिग्री क्या है टू यहाँ पर ई e की डिग्री बताई गई है टू नेक्स्ट लास्ट वन इज़ डी डी केस में क्या है कि डी में हमारे पास कितनी एजज़ है वन एंड टू दो ये होगी और जब सेल्फ लूप आ जाती है तब हमारे पास सेल्फ लूप के लिए डिग्री के हो जाती है टू तो टू सेल्फ डिग्री के लिए और साथ में दो एजस है तो टोटल हमारे पास फोर तो ये केस हुआ जब हमारे पास डायरेक्शंस गिवन नहीं है डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है जहाँ पर डायरेक्शन गिवन नहीं है अगर हमारे पास डायरेक्शंस गिवन हो क्लियर डायरेक्शंस माने कि अगर हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ हो ऐसा कोई ग्राफ हो जिसमें डायरेक्शंस गिवन है उसमें हमने बताना है कि डिग्री कितनी है तो वहाँ पर दो वर्ड आते हैं एक आता है इन ऑर्डर डिग्री एंड नेक्स्ट इज आउट ऑर्डर इन ऑर्डर एंड आउट ऑर्डर तो इन ऑर्डर एंड आउट ऑर्डर अगर बताना है कि इन ऑर्डर डिग्री क्या है इन डिग्री क्या है और आउट डिग्री क्या है तो यहाँ पर कैसे होगा कि यहाँ पर अगर हम इन्हें वर्टिसेस असाइन कर दें कि ये हमारे पास क्या है यहाँ पर हमने इन डिग्री बतानी है यहाँ पर आउट डिग्री बतानी है क्लियर ये वी वन है V2 टू है वी थ्री वी फोर वी फाइव वी सिक्स वी सेवन एंड वी एट क्लियर यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी वन की इन डिग्री बतानी इन डिग्री का मतलब कितनी वर्डसेस इसकी साइड आ रही हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है V2 की साइड पे है ये V4 की साइड पे है V3 इसकी तरफ तो कोई नहीं आ रही तो इन डिग्री वी की क्या होगी ज़ीरो आउट डिग्री क्या है वी वन की कितनी जा रही है ओपोजिट ठीक है वी वी टू की तरफ जा रही है वी फोर की तरफ जा रही है वी थ्री की तो इन आउटर डिग्री क्या आ गई थ्री नेक्स्ट वी टू की तरफ कितनी आ रही है कोई भी नहीं ज़ीरो वी टू की से वी टू की तरफ कौन सी आ रही है वी वन आ रही थी वन क्लियर तो वी टू से कहाँ जा रही है वी फोर और तो कोई नहीं है आउट डिग्री इज़ वन V3 की तरफ V1 आ रहा है और V4 फोर यहाँ पे वी भी, भी आ रहा है तो इन डिग्री क्या होगी टू आउट डिग्री क्या है V3 की V4 की तरफ ही जा रहा है वन क्लियर नेक्स्ट V4 की तरफ कौन कौन आ रहा है V2 V1 एंड V3 थ्री तीन डिग्री इज थ्री इन डिग्री इज थ्री आउट डिग्री क्या है वी फोर से वी थ्री तरफ जा रहा है और वी फाइव की आउट डिग्रीज टू ऐसे ही हम बाकियों की निकाल लेंगे फॉर एग्जाम्पल वी सिक्स की हमने निकालनी है वी सिक्स की इन डिग्री कितनी आ रही हैं इन डिग्री वी फाइव एंड वी थ्री टू टू इसकी क्या होगी इन डिग्री कॉमा आउट डिग्री कितनी है वी सिक्स से कहाँ जा रही हैं वी एट तक की जा रही है बाकी कहीं नहीं जा रही तो आउट डिग्री इज़ वन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन डिग्री एंड आउट डिग्री बतानी है तो इन डिग्री क्या है कि उस वर्टेक्स पे कितने एरोस आ रहे हैं तो एरोस अगर हम हमारे पास दो हैं तो हम दो लिख देंगे कितने जा रहे हैं वो हमारी बत, क्या बताता है आउट डिग्री सो दीज आर टर्मिनोलॉजीज विच आर टू बी यूज इन केस ऑफ द ग्राफ अगर डायरेक्शंस नहीं गिवन है तो सिंपली हमें बताना है सिंपली हम बता सकते हैं कि ए के साथ कितनी एजेस कनेक्टेड हैं दो ई e के साथ कनेक्टेड कितनी है दो डी के साथ कनेक्टेड कितनी है दो और जहाँ पर लूप आएगी सेल्फ लूप आएगी सेल्फ लूप के लिए दो ऐड हो जाएंगी तो टोटल हमारे पास टू प्लस टू कितनी होगी फोर एजेस कनेक्टेड होगी नेक्स्ट वी हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ हमारे पास क्या है जेस टू वी कॉमा ई उसके लिए हम एडजस्टी लिस्ट को यूज़ करते हैं तो एडजस्टी लिस्ट लिंक लिस्ट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं और एडजस्टी मैट्रिक्स दो तरह किसी भी ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो so, अगर हम एडजस्ट लिस्ट की बात करें तो हमारे पास एक ग्राफ गिवन है उसमें एक में लिख लो वर्सेस कितनी है और एडजस्टेंस वर्सेस कितनी है एडजस्टन मतलब उसके साथ जो कनेक्टेड होंगी नेबरहुड में क्लियर तो ए के साथ कौन कौन सी कनेक्टेड है बी एंड सी बी कॉमा सी लिख दिया बी के साथ कौन सी कनेक्टेड है ए कॉमा डी डी के साथ कौन सी कनेक्टेड है बी कॉमा सी सी के साथ कौन सी कनेक्टेड है ए कॉमा डी तो ऐसे ही हम बाकियों का लिख देंगे नेक्स्ट है एजेस लिस्ट फॉर डायरेक्टेड ग्राफ ये सिंपल ग्राफ के लिए था अगर डायरेक्टेड ग्राफ के लिए है तो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए क्या आ जाएगा अगर ए की बात करें तो ए में एंडवर्टिस क्या है एंडवर्टिस क्या है किसकी तरफ जा रही है बी क्लियर बी क्या क्या है बी किसकी तरफ जा रही है सी सी का क्या है सी किसकी तरफ जा रही है बी की तरफ डायरेक्शन देखनी है एरो का साइन जिस साइड होगा डी किसकी साइड जा रही है ए की साइड भी जा रही है बी की साइड भी जा रही है सी की साइड भी जा रही है और अपने आप पे भी आ रही है डी की ठीक है तो दिस वन इज फॉर द डायरेक्टेड ग्राफ एंड दिस वन इज फॉर द सिंपल ग्राफ क्लियर तो ये अपने ध्यान रखना है दिस इज़ द केस ऑफ एडजस्टी लिस्ट हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एडजस्टी लिस्ट और एडजस्टी मैट्रिक्स की तरफ से तो ये हमारे पास हमने एडजस्टी लिस्ट की तरफ से क्लियर किया मैट्रिक्स की फॉर्म में वो हम थ्री इंटू थ्री की फॉर्म में या फोर इंटू फोर जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे करते हैं सो नेक्स्ट इज द ग्राफ ट्रावल्स That we will discuss in the next video lecture.